आज भोपाल के विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा भवन में हुई बैठक में कोरोना को देखते हुए विधानसभा सत्र चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई। कोरोना को देखते हुए सर्वसम्मति से तय किया गया कि आने वाला विधानसभा सत्र टाल दिया जाए। बैठक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए विधानसभा सत्र में 1000 लोगों को जमा करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा राज्यपाल को यह पूरा मामला बताकर उनसे चर्चा की जाएगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी विधानसभा सत्र टालने की बात कही है। सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्री जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है, इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। सबको लेकर जब 1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे होंगे, फिर हम धार्मिक आस्था में कैसे कह सकते हैं कि पंडाल नहीं लगेंगे, फिर हम किसको कैसे रोक सकते हैं कि शादी में केवल 5-10 लोग ही होंगे, मैयत में केवल 5 से 7 लोग भी होंगे। इसलिए और ये रोग है, ये चिन्हित ही नहीं हो पा रहा कि है किसमें। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे महानुभावों ने सब नहीं से उनने स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। कोविड की इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला सत्र हम राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे टाल दिया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, भोपाल।